अच्छा नहीं के ओके के अरे 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 ऐसे बैठ गया, कोई बात नहीं, क्या बोलना चाहिए मुझे, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, ठीक है चलो यार सब बोलते हैं, मेरा भी सपना था ऐसे, इसे रखता हूँ साइड में, हाथ दिखाओ यार, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, यस यस, ओह दोबारा तेजी से बोलना कान में, यस। हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल, यश चौधरी बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइज आज मैं प्रैंक करने वाला हूँ त्रिशा के ऊपर, आप लोगों ने कमेंट्स के इंस्टा पे भी और कमेंट बॉक्स में भी, तो आप लोगों ने कहा कि एक बार त्रिशा को प्रपोज करके देखो उनके क्या रिएक्शन आते हैं। तो ये एक प्यारी सी रिंग है, पता नहीं कौन इस रिंग को लेगा, ये रिंग हमेशा घूमती ही रहती है, चलो देखते हैं यार यहाँ क्या देखने को मिलता है और उनके रिएक्शन कैसे आते हैं। ओके गाइज तो आप लोग मेरे साथ में बने रहो, एक बार उनको कॉल कर लेते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, और ब्लॉग चैनल पे भी आप लोग जा सकते हो, मेरे यश चौधरी ब्लॉग्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। हेलो हेलो दिशा, हाय कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, कहाँ पहुँचे हो ये बताओ। मैं बस पहुँचने वाली हूँ। अच्छा साड़ी में ही आ रहे हो ना? हाँ, हाँ, साड़ी पहनी है। अगर साड़ी में नहीं आ रहा तो प्लीज मत आना यार। ठीक है तो फिर मैंने नहीं पहनी, मैंने आज। अरे नहीं नहीं आ जाओ यार, चलो आप आ ही गई तो आ ही जाओ। साड़ी में नहीं हो क्या? नहीं साड़ी में नहीं हूँ मैं। अबे यार चलो कोई नहीं, आ जाओ। ओके आई एम वेटिंग। तो गाइस तिशा आने वाली है, हम उसका वेट कर लेते हैं, बने रहो आप लोग मेरे साथ में। अच्छी लग रही है यार, सरप्राइज़, दिल खुश कर दिया। हेलो हाय कैसे हो आप? बढ़िया आप बताओ? मैं एकदम अच्छा यार। आप तो साड़ी में ही आए हो, यहाँ ऐसे खड़े हो ना, जरा मैं आपको आराम से ऐसे देख लूँ। नाइस, मजाक कर रहे थे आप मेरे साथ में। जब आपने मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक कर दिया तो मैं छोटा सा तो करी। तो देखो लोगों ने दुआएं भी तो दी है ना आपको, आपने कमेंट्स चेक नहीं की कि हाँ। कितनी प्यारी लड़की है, कितनी अच्छी हाँ। लड़की है, कितनी मासूम लड़की है, बहुत सारे लोगों ने अलग देश में अलग अलग जगहों से आपके लिए कमेंट्स आए, इतनी प्यारी प्यारी। अच्छा आप भी लगाते हो यार, नाइस यार, अच्छा है। आई लव ब्राउन एज वेल, थैंक यू, ब्राउन स्किन एज वेल। कैसा चल रहा है सब कुछ? बस ठीक ठीक चल रहा है, अभी जॉब छूट गई है मेरी। जॉब छूट गई है? क्यों? अरे मैंने रिजाइन कर दिया वहाँ से ना। क्यों क्यों क्यों? में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। यार ये तो गलत बात है, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। नहीं यार आपके अंदर तो इतने सारे पेशेंस हैं, बहुत दिन से दिखा रखे थे वो। अच्छा उनका पाप का घर अब भर गया था। तो अब क्या सोचा है आपने? कुछ नहीं बस अभी नई जॉब के, अभी थोड़ा सा देखो रिलैक्स चाहिए बॉडी को हाँ। और थोड़ा सा नींद वगैरह पूरी करती हूँ मैं घर पे लेट कर। अब सीनियर इंस्टा ना घूम के भी आए हो कहीं बाहर? हाँ मनाली गए, मनाली गए थे। कैसा रहा आपका ट्रिप? बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आया। मैं भी मसूरी गया था घूमने, तो ब्लॉग के चैनल पे मिल जाएगा यार। ब्लॉग से याद आया, तुम ब्लॉग चैनल क्यों नहीं खोल लेती अपना? यार पता नहीं उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? होएगा यार, आई विल सपोर्ट यू, और इतने सारे लोग हैं वो सब सपोर्ट करेंगे ना आपको। चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो तुम आज लंच पे नहीं थी? अच्छा स्पेशली मेरे लिए आए हो? आना पड़ता है ना कभी कभी। अरे यार जब नहीं, जब बुलाते हैं तो आना पड़ता है। नहीं यार बहुत अच्छा किया। वैसे आपको कैसा लगा कि हमने वीडियोस देखी होंगी आपने? अरे वीडियोस बहुत अच्छी है यार, बहुत लोगों ने कमेंट्स करी। मैं कमेंट पढ़ रही थी और कमेंट कितने अच्छे आए हुए थे कि कितनी अच्छी लड़की है। मैं तो कभी भी देखता हूँ ना तो बस यही सोचता हूँ यार, सच में ये जितनी अच्छी लड़की है ऐसी लड़की ना जिंदगी में आ जाए। लोग मुझे बोल रहे थे बहुत बार कि यार बात करनी चाहिए उससे, आपसे, कि तिशा भी सिंगल है आप भी सिंगल हो, तो एक आध बार बात करके देखो उससे क्या चाहती है वो। मैंने कहा नहीं यार, कहाँ वो कहाँ मैं, अच्छा नहीं लगता वो और कहाँ मैं क्या होता है। नहीं यार एक्चुअली आपके जो आदर्श हैं उसूल हैं मेरे अंदर उसका 1% भी नहीं है ना, मैं उसका टोटली अपोजिट हूँ, तो मेरे लिए हर चीज़ मजाक में हो जाती है। तो मैं लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे हर चीज़ को सीरियसली लेना सिखाए, ऐसा कुछ। और बताओ कैसा रहा, आपके ख्यालों में आया मैं एक दो बार? मतलब हाँ बात बात तो मैं करती ही रहती हूँ,
आपसे, बट ये ना डर लगता है। अच्छा, मेरे काम को देख के? है ना, काम को देख के नहीं, मतलब कभी कभी तो मुझे भी लगता है मैंने ऐसे काम को क्यों चुना कि मतलब इसकी वजह से शायद मैं सिंगल ही रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। अरे नहीं यार, वैसे तुम थक चुकी हो काफी या थकती ही नहीं हो? मैं एक्चुअली मतलब मेरे दिमाग में रन करती रहती हो ना तुम, तो थकते नहीं हो क्या? इतना फ्लर्ट कहाँ से? फ्लर्ट नहीं है, सच्चाई है, मतलब पूरा दिन पूरे टाइम मेरे माइंड में घूमती रहती हो, तुम भटकती रहती हो, टहलती रहती हो, तो थकती नहीं हो? माइंड में घूमती हूँ ना। हाँ, दिल में तो नहीं घूमती। इंसान पहले दिमाग में आता है, बाद में दिल में आता है। तो पहले अभी दिमाग में ही हूँ ना। नहीं, पहले हमारी नजर शिकार करती है, वो उसको दिमाग तक ले जाती है, दिमाग उसे दिल तक भेज देता है। हाँ, ऐसा ही होता है। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। लग नहीं रहा मुझे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे ना बड़े बड़े होते जा रहे हैं, अगर हम जल्दी ज्यादा बड़े हो गए तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, तो व्हाट आई एम थिंकिंग, इससे पहले ना लाइफ में आ जाना चाहिए किसी ना किसी की, एक तुम भी किसी की लाइफ में जाओगे, मैं भी किसी की लाइफ में जाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मतलब यार देखो, मेरे पास ना एक यार एक ना रिंग है ये, अब मैं सुनो, ये रिंग ना मैंने अपनी क्या कहता हूँ बहुत लोगों को देने की कोशिश करी है, लेकिन लोग ना इसे लेते ही नहीं है। अब पता नहीं मुझे क्यों नहीं लेते हैं, क्या दिक्कत है, या वो मेरी वीडियोस से डर जाते हैं या मेरे प्रैंक से डर जाते हैं कि लोग साथ निभाते नहीं है, बीच में छोड़ जाते हैं यार। वो गलत है ना, तो मैं इसकी सही जगह शायद आपकी फिंगर हुए यार। ये मुझे नहीं पता ये कौन सा तरीका है मेरा प्रपोज करने का, बट यार मैं सारी जगह घूम के आ चुका हूँ, उसके बाद अब तुम बची हो यार। सच्चाई या तो देखो मुझे झूठ बोलना चाहिए, वो मुझसे होता नहीं है, तो मैं सच बता देता हूँ। नहीं, झूठ नहीं बोलना है ना, यही मेरी प्रॉब्लम है, और काम मेरा ऐसा है इसी से ना मैं रोटी खाता हूँ, वरना मेरे पास और कोई काम नहीं है। सातवीं पास हुई यार मैं, है ना, सेवन्थ क्लास तक मैंने पढ़ाई की हुई है, और उसके बाद कुछ किया भी नहीं आज के, ऐसे ही नहीं किया, तो इसलिए कुछ और कर भी नहीं सकता, यही मेरा काम है। तो अब कर लेते 10th और 12th NIOS से सिंपल। कोई नहीं, अब मैं कर लूंगा ना, देखो यही चीजें आज तक किसी ने नहीं समझाई मुझको, तो ऐसे एक इंसान चाहिए ना जो मुझको समझ सके। यार। और क्या, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये फीलिंग्स थी। अच्छा थी। थी मतलब, अरे यार हाँ, फिर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, स्क्रॉल किया होगा पेजेस, फिर दिखा होगा यार ये लड़का कौन से मोमेंट पे सीरियस होता है और कौन से पे नहीं, है ना, पक्का ऐसा ही। जितना मैं आपसे बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो उसमें ना इंसान का पता लग जाता है कि वो कैसा है। मेरे अंदर ऐसा क्वालिटी है कि मैं सामने, अगर मैं एक बंदे के साथ अगर आधा घंटा या एक घंटा रह लूँ ना, तो मुझे उसके बारे में पूरा पता चल जाता है कि वो इंसान कितना पानी में कितना बाहर है। तो तुम्हारे साथ ऐसी वाइब नहीं आई मुझे। अच्छा, कैसी, कि मुझे साथ रहना चाहिए? नेगेटिव। हाँ, तो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए आप यार समझो ना थोड़ा मेरे बारे में कि हाँ यार इस इंसान को ना लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे और बदल सके। ठीक है, मैं अपने जगह पे सही काम कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमा लेते हैं, है ना, ये तुम तुम्हारा अर्निंग सोर्स, बट एक जिंदगी भी तो बदलनी है ना यार। एक आज हम हैं, कल को दो चार और नन्हे मुन्ने खेलो कहीं, एक वो वाला सपना भी तो देखता हूँ ना मैं, कंटेंट के अलावा, कंटेंट के अलावा मैं वो भी तो देखता हूँ ना यार। वही मैंने ना आज घर से सोच के आया हूँ, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, लेकिन यार अब ये जो डब्बा है ना मैं ले लेके थक गया हूँ घूम घूम के इसको, हर टाइम ये रिंग इससे बाहर जाती है और फिर वापसी आ जाती है, फिर यार वो दिल टूट जाता है ना, तो चलो कोई बात नहीं यार। बट हाँ, क्या चीट करा ना तुम, फिर मैं बता रही हूँ। अरे यार ऐसे नहीं करते ना यार, चीट नहीं करता मैं, बट यार मैं काम तो करता ही रहता हूँ। काम करो, काम से किसने बोला आपको, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। प्रोफेशनल और पर्सनल को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपना वर्क कर रहे हो, अपना करो, जितना जो भी आपको काम करना है आप करो, जितना आगे बढ़ना है बढ़ो, मैं सपोर्ट करूँगा। अरे वाह, ऐसा ही इंसान होना चाहिए पता है। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं तो कहाँ तक करूँगी, मैं फिर भी आपको सपोर्ट करूँगी तो फिर सपोर्ट इन द सेंस, जैसे कि मुझे मतलब मैं तो समझ ही सकता हूँ ना, जहाँ पे आपको मेरी नीड है मैं वहाँ हमेशा खड़ा रहूँगा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ ना यार। बस यही नहीं चाहिए कि अगर आपने, मुझे इतना पता है कि मैं बेशक बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं हूँ, ले नहीं बन पाया, नहीं होऊंगा, बट हाँ मैं एक दोस्त बहुत अच्छा हूँ। हाँ, दोस्त, दोस्ती के चक्कर में तो पता नहीं क्या क्या देखा और किया है मैंने।
छोटी छोटी जबान की देने के चक्कर में कितनी बड़े बड़े वादे मैंने पूरे करे हैं यार। दोस्त बहुत अच्छा हूँ मैं। सच ऐसे करते हैं ऐसे, ठीक है मैं भूल गया था यार। बट यार आपके फिंगर में तो 1, 2, 3 रिंग है ऑलरेडी। अरे ये एक्चुअल में ना मैंने डाली हुई थी दूसरे, उसमें ना मैंने इसमें कर दी। Okay. इसमें बनाते हैं इसमें। हाँ। तो मैं करके देखूं। मैंने कभी डाली नहीं है इसमें। चलो मैं ट्राई करूं। ऐसा पूछता कौन है? मतलब यार ऐसे कभी फिर तुम कुछ और बोलो। ऐसा पूछता कौन है पहले ये बताओ। अब जब मैंने आपको अपने आप में से ही बता दिया कि मैं भी आपके लिए ऐसा कुछ फील करती हूँ, तब भी आपको। हाँ सही सही सुन, सही बोल रहे हो आप, यही सुनना चाहता था मैं। तब भी आपको पूछने की रही है? ठीक है ओके आई एम रेडी। रेडी आप? ओके मुझे पूरी उम्मीद है मेरी तरह आप भी एक्साइटेड होगे थोड़ा सा। मैं पूरी एक्साइटेड हूँ बट। बट क्या? पहले बट मत लगाओ, बट से ना दिल दुखता है यार। चलो मैं ना पहले। अच्छा नहीं के ओके के अरे 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 ऐसे बैठ गया, कोई बात नहीं। क्या बोलना चाहिए मुझे? विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ठीक है चलो यार, सब बोलते, मेरा भी सपना था ऐसे। इसे रखता हूँ साइड में, हाथ दिखाओ यार। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? यस यस। ओह दोबारा तेजी से बोलना कान में। यस। अरे वाह थैंक यू यार, इतना आसान था? इतना परफेक्ट साइज कहाँ से लाए? ज़्यादातर लड़कियों का यही साइज होता है ना, स्टैंडर्ड साइज में आती है ना यार। स्टैंडर्ड साइज में। और क्या? नहीं मैं आपसे ये बट मेरा ये था। क्या बट था? अभी के लिए तो ये चल जाएगी। चल जाएगी मतलब? हाँ मतलब ठीक है, चल रही है। हाँ बट मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है आपसे। क्या? कि ये जो ये वाली रिंग है ना, मैं रियल वाली रिंग का ना वेट करूँगी। अच्छा। और ये रिंग अब आपने मुझे पहनाई है, अब किसी और लड़की को नहीं पहनाऊंगा। अच्छा ये वाली रिंग? हाँ ठीक है। अच्छा वीडियोस में मैं दूसरी खरीद लूँगा। हाँ अरे मतलब देने के लिए। हाँ यार ये वाली मैं सबको ट्राई करा रहा था फिर वापसी ले लेता था यार मैं, तो मैं थक गया था। मैंने कहा यार किसको दूँ यार मैं इसको सही। अब मैं सोच भी नहीं, एक मिनट इधर आ जाओ यार थोड़ा हल्का सा ना। अब मैं ये ना चीटियाँ भी हल्के आगे हो जाओ। हाँ ठीक है। अब मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार किसी ऐसे इंसान को दूंगा मैं इसको जो सच में डिज़र्व करता होगा। ठीक है सो ये मुझे लगता था आप डिज़र्व करते थे। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में इसको यूज़ किया है, तो मुझे लगता है आप डिज़र्व करते हो, इसलिए मैंने रिंग आपको दी है। ठीक है अभी आगे और किसी के पास नहीं जानी चाहिए। अरे मेरी बात तो सुन लो यार। देखो मुझे लगा कि मतलब ये रिंग आप डिज़र्व करते हो, इसलिए मैंने ये रिंग आपको दी है। और अगर जो आप सोच रहे हो एक्सपेक्टेशन वाली, वो कभी नसीब में हुई मेरे आपके, या आप मेरे नसीब में हो, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। एक्चुअली मैंने सोचा था कि एक छोटा सा मैं प्रैंक भी कर लूँगा और मैं आपको रिंग भी दे दूँगा, तो मैं नहीं कर रहा था प्रपोज, बट मैंने सोचा था कि मैं एक बार करके देखता हूँ यार। अब मैं ऐसे देता यूं करके गिफ्ट तो आप लेते नहीं ना यार, फिर से प्रैंक किया ना। अरे यार कोई बात नहीं ना, मतलब समझा करो ना, तो सोचो ना। सुनो ना एक्सपेक्टेशन नहीं थोड़ी, मैंने मेरी बात सुनो, क्या सोचा था मैंने पहले, मेरा कैमरा लगा उसे हाई तो कर दो। अच्छा सुनो 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 मेरी बात। मैंने सोचा था मैं इसको क्या करूँ, हर बार सिर्फ वीडियोज़ के लिए, मैंने कहा किसी अच्छे इंसान को दूँ ना जो इसकी वैल्यू को समझेगा, जो इसकी कदर करेगा, तो मुझे लगा कि आप हो, मैंने इसलिए आपको दी। अब इसको रख लेना, अब आपने अपने मुंह से कहा है ना, अब मुझे और जो लेनी होंगी वीडियोस के लिए मैं परचेज कर लूँगा। शर्म नहीं आ रही क्यों? मतलब इतने सारे लोग आते हैं वीडियोस में, लेकिन मुझे हर कोई लगता नहीं है ना कि ये उनके लिए है। सोचो कि आपकी वैल्यू क्या है। फिर आपने प्रैंक किया है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, बट सच में आप दे तो रहा हूँ ना यार। गलत बात है यार। आई नो गलत है, लेकिन किसी भी चीज़ का फैसला ना एकदम नहीं लेना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, समझ रहे हो? उसके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, प्रॉब्लम चल रही होती है इर्द गिर्द, तो हर चीज़ों को थोड़ा सोचना चाहिए। बातचीत है, फ्रेंडशिप है, सब कुछ है। आप देखो वैल्यू आपकी है कि मैंने आपको दे दिया उससे, है ना? कोई बात नहीं। अरे बुरा मत मानो यार, मेरा काम है, मैंने तुमसे कहा था ना। तो मेरे पे करोगे क्या? हाँ क्या हो गया? अच्छा लगता है ना अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए। I'm sorry ना। आपको मेरी फीलिंग्स पता चल गई, अब प्रैंक भी हो गया। कोई बात नहीं, फीलिंग्स अच्छी हैं यार, संभाल के रखेंगे। डोंट वरी, मैंने कहा था ना मैं दोस्त बहुत अच्छा हूँ। दोस्त? हाँ चलो। असल में यार जिस दिन, जब से मेरी लाइफ में एक लड़की आई थी ना यार, जब से मेरा दिल ना होता नहीं है एकदम से। कोई बात नहीं, बता दिया था ना मैंने मैसेज में भी हर चीज़। हाँ ये अब आपकी है,
और दुआ करो यार, मैं भी दुआ करूँगा, क्या पता कब असली वाली दे दूँ। सरप्राइजेस देने की तो आदत ही है मेरे को। मेरे खुले वो होंगे नसीब मेरे नसीब। नहीं बिल्कुल होंगे यार, भूख लग रही है। हाँ यार, गर्मी भी लग रही है। ये लड़की आई है इतनी थक हार के, क्यों ना कुछ खिला पिला दिया जाए, डाल दो ना। इसमें लोग बोलेंगे, वैसे मुझे ही बुरा बोलेंगे, यश भाई आपने दिल दुखाया है। तो दिल तो दुखाया है ना, बट ये डिजर्व तो आप ही करते हो ना। आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट यू ना, बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में, क्या चल रहा है क्या नहीं, बट मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए इसलिए मैंने आपको दे दी। इट्स ओके, चले खाना खाने। चलना ही पड़ेगा। होप सो गाइस आपको इनका मुंह मतलब रिएक्शन पसंद आए होंगे थोड़े बहुत, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें भी ना, बिल्कुल भी नहीं चाहें। भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, ब्लॉग चैनल पे मिल जाएगा आपको खाने पीने वाला हमारा ब्लॉग, तो चलो चलते हैं आगे। हर्ट किया है इसने मेरे को। कोई बात नहीं, होता रहता है, हर्ट किया है। मैं सारे लड़कों का बदला ले रहा हूँ। सारे लड़कों का बदला ले रहे हैं, अभी लड़कियाँ भी कमेंट बॉक्स में आके तुमसे बदला लेंगी। कोई बात नहीं, चलो। वैसे ये लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है इनका। थैंक यू सो मच। चलो गाइज चलते हैं, खाना खा के आते हैं।